एक्सीडेंट से आप सवारी लेने गए? मैं गया तो पीछे से गाड़ी गायब, पीछे से गाड़ी गायब हो गई। कपड़े शपड़े इसीलिए गाड़ी में हमने रखा है क्योंकि हमारे पास जो वर्दी का पैंट शर्ट होते हैं हम वो रात को निकालते हैं, क्योंकि अगर सुबह किसी ट्रैफिक वाले किसी अफसर के सामने जाना पड़ता होता वो बोलते थे आपके कपड़े कैसे गंजे ऐसे। पता नहीं कौन सा हमको क्या पता है मैडम जी, आज तीन दिन हो गए। हाँ जी, तीन दिन के बाद आज ही गाड़ी यहाँ से गिर गई। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ खड़ी, कहाँ की थी आपने गाड़ी? यहाँ डोगरा चौक में। वहाँ से हमने जब सुबह गाड़ी की फोटेज देखी तो वहाँ से गाड़ी तो थोड़ा निकल के आ रही थी, फिर साहब उसके सुबह से ही लगे हुए। साहब उसने अब तक खाना नहीं खाया, ये भी लगे रहे थे। अब उसने हमको फोन किया, बोला हमने गाड़ी किसी जगह वहाँ खड़ी की थी। आप कहाँ गए थे डोगरा चौक में खड़ी करके गाड़ी? हमारी सवारी एक्चुअली वहाँ बिहारी लोग आ रहे थे बस स्टैंड से। आप सवारी लेने गए? मैं गया तो पीछे से गाड़ी गायब, पीछे से गाड़ी गायब हो गई। कपड़े शपड़े इसीलिए गाड़ी में हमने रखा है क्योंकि हमारे पास जो वर्दी का पैंट शर्ट होते हैं हम वो रात को निकालते हैं, क्योंकि अगर सुबह किसी ट्रैफिक वाले किसी अफसर के सामने जाना पड़ता होता वो बोलते थे आपके कपड़े कैसे गंजे ऐसे। तो जैसे इसमें आदमी को साफ और पाक भी रहना चाहिए। क्या लगता है कि आप गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे जहाँ से ली और यहाँ से आके छोड़ दी, क्या मकसद होगा हुआ होगा जिसने गाड़ी ली? पता नहीं उसका कौन सा जिद है मेरे साथ, जिस भाई ने किया उसने बहुत ही गलत किया। हमको दो दिन से परेशान, हमारे घर वाले भी परेशान। बिल्कुल, ये जो नंबर लिखा खिड़की पर आपका नंबर लिखा मोबाइल नंबर? हाँ, हमारे नंबर है जी। अभी खुश है घर? हाँ सर, खुश है बगैर इन भाइयों की मदद से। जो पुलिस का कितना बड़ा योगदान है, जो हमारा ये SI साहब है ना, उसका अगर हम पाँव भी पकड़ सकते हैं तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते। नुकसान बड़ा होने से बच गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फिर इस भाई का बहुत बहुत शुक्र है, खुश है ना? जी जी। हम खुश है इस भाई की मदद से। हम खुश है कि जिसने हमारी गाड़ी, कौन से भाई, पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले SI भाई, उसने हमारी काम नाम, नाम क्या उनका तो, नाम क्या SI सर का? बिल्कुल उसका कहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। मैं इससे यही कहता हूँ कि ये भाई जितना तारीफों के लायक है उसके लिए इतना ही तारीफ होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अफसर होना चाहिए, क्योंकि इसने एक गरीब का दिल जीत लिया, इसने अपनी इसने कौम का दिल। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उन लोगों को कैसी सजा आप चाहिए? उन लोगों को मेरे ख्याल से फांसी देनी चाहिए, क्योंकि किसी गरीब का तंग करने से। यहाँ के जिन ऑफिसर का नाम ले वो यासीर है उनका नाम, जिन्होंने मदद की। अगर भाई भैया अगर पुलिस सतर्कता ना बताती ये गाड़ी कहीं मिस यूज हो जाती, किसी गलत काम में यूज होती तो आपको परेशानी होती ना? सर हम तो इसीलिए पुलिस थाने में गए क्योंकि हमारी वो जब हमने उस भाई के साथ कॉन्टेक्ट किया उसने बोला कोई टेंशन नहीं, मैंने टोल प्लाजा उधर इधर भी हर जगह पे नाके पे भी सब मैसेज दिया है। आपकी गाड़ी को जितनी हमारी तरफ से कोशिश है हम आपकी गाड़ी को किसी जगह गंवाने नहीं देंगे, हम इंशाल्लाह अपने काम में भरपूर आपको तावन। चलिए आप खुश नजर आ रहे हैं, आप खुश, सबकी मदद से हम खुश। आप कहाँ के रहने वाले? हम कुलगाम के हैं। कुलगाम के रहने वाले। चलिए।